गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी एंड ट्रेनिंग के बारे में, सॉरी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपको जो ऑफर कर रहा है 152 असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए। तो आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि प्रोफेसर ही पोस्ट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपके रिलेटिव कोई भी प्रोफेसर ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको भी इस जॉब के लिंक शेयर करिए, शायद वो भी इस जॉब के लिए एलिजिबल हो पाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही कहूंगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस दो जॉब के लिंक मिलता रहेंगे, सुबह 7 बजे एक जॉब और दोपहर के 1 बजे और एक जॉब। तो दोनों जॉब का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और साथ ही साथ इस जॉब का जो डिटेल्स है उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो पहले देखिए यहाँ पे एनएस जो यूटी है वो एक्चुअली नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी है। तो इसमें आपको टोटल दिल्ली में जॉब मिलेगा और नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी से आपको रिकमेंड किया जाएगा, 125 वैकेंसीज है। और सबसे बड़ी बात जो 125 वैकेंसीज है उनमें देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 102 वैकेंसीज, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 38 वैकेंसीज, प्रोफेसर के लिए 12 वैकेंसीज। मतलब यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज डिटेल्स दिया गया है जिस डिटेल्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे फेसर्स और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फेसर्स यहाँ पे थोड़ा सा चांसेस कम है, ज्यादातर एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 35 ईयर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 50 ईयर्स और प्रोफेसर के लिए 55 ईयर्स तक एज लिमिट दिया गया है। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर रहेगा वो टोटली बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद इंटरव्यू। इस तीनों लिंक के माध्यम से, तीनों कैटेगरी मतलब एग्जाम के माध्यम से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एप्लीकेशन का जो फीस है वो 2000 रुपीज जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू के लिए पे करना होगा, 1000 रुपीज आपको एससी एसटी फिजिकल हैंडीकेप के लिए पे करना होगा। तो यहाँ पे पूरा सैलरी पैकेज जो है वो 57,700 से 218,200 तक आपको सैलरी पैकेज मिलने वाला है। तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो क्वालिफिकेशन जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको तो बीए बीटेक और बीएससी एंड एमएससी एमटेक पास आउट होना चाहिए, उसके साथ आपको पीएचडी डिग्री भी है तो आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेसर जरूर अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको बैचलर डिग्री पास आउट होना चाहिए वो भी आर्किटेक्चर में, एंड यहाँ पे देखिए एमटेक और मास्टर डिग्री भी आप कर चुके हैं तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और एमबीए एमकॉम भी कंप्लीट कर चुके हैं तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी कर चुके हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ देखिए मास्टर डिग्री भी आप अप्लाई कर सकते हैं और एमबीए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोई भी कैटेगरी से आप, मतलब आप कोई भी इस टाइप क्वालिफिकेशन से क्वालिफाइड हो तो आप जरूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेसर, प्रोफेसर के लिए आपको पीएचडी डिग्री पास आउट होना चाहिए और पीएचडी डिग्री पास आउट हो चुके हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी फर्स्ट क्लास से पास आउट होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आपका 10 साल की एक्सपीरियंस भी होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, और यहाँ पे देखिए एटलीस्ट 6 रिसर्च पब्लिकेशन भी आपको होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है तो डिटेल्स को आप चेकआउट करिए, उसके बाद आप अप्लाई करिए। एप्लीकेशन का लास्ट डेट रहेगा 25 अप्रैल, उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे उसका प्रोसीड्यूर भी यहाँ पे दिया गया है तो इस प्रोसीड्यूर को आप फॉलो कर सकते हैं। तो फिर भी मैं यहाँ पे आपको लिंक दिखा देता हूँ जिस लिंक के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो लिंक यहाँ पे दिखिए। तो पहले आपको लिंक दिखाने से पहले ही कहूँगा, अभी तक टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुआ तो जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस जॉब के लिंक भी मिलता रहेंगे। तो साथ ही साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लिक करना, क्लिक हेयर में जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा, तो इस पेज में जाकर आपको जिस स्टेट में अप्लाई करना है उस स्टेट के बारे में जानकारी पूरा ले लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। तो अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग डिवीजन है, उस डिवीजन के ऊपर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन में लिंक में क्लिक करना होगा तो वेबसाइट ओपन हो जाएगा, तो उस वेबसाइट में जाकर आपको अप्लाई करना होगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।